गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम मिशन शिक्षण संवाद के डेली वर्कशीट में आज हम लेसन 10 लेकर के आए हैं। लेसन का नाम है ए हीरो। आज हम इस लेसन के एक्सरसाइज का रिवीजन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट न्यूज़ डिड स्वामीज फादर रीड इन द न्यूज़पेपर। स्वामी के पिता ने अखबार में क्या खबर पढ़ी थी। आंसर, स्वामीज फादर रीड अबाउट द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज बॉय हु केम फेस टू फेस विथ ए टाइगर। स्वामी के पिता ने एक गांव के लड़के की बहादुरी के बारे में पढ़ा था, जो जंगल के रास्ते से घर लौटते समय बाघ के सामने आमने सामने आ गया था, वाइल रिटर्निंग होम बाई द जंगल पाथ। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डज स्वामीज फादर क्यूटो रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज। स्वामी के पिता ने शक्ति और साहस के बारे में क्या कहा। आंसर, ही सेड दैट ए मैन कुड हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी ए कवर्ड, वेयर एज अनदर वन कुड हैव स्ट्रेंथ ऑफ ए स्ट्रॉ बट हैज करेज कैन डू एनीथिंग। उन्होंने कहा कि एक आदमी एक हाथी की ताकत रखता है और अभी तक वह कायर हो सकता है, जबकि दूसरा एक तिनके की ताकत हो सकती है, लेकिन साहस है कुछ भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाई डिड स्वामीज फादर आस्क हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस रूम। स्वामी के पिता ने उसे अपने कार्यालय कक्ष में सोने के लिए क्यों कहा। आंसर, स्वामीज फादर वांटेड स्वामी टू शो हिज करेज एंड नॉट बी एफ्रेड ऑफ डार्कनेस, सो ही आस्क्ड स्वामी टू स्लीप इन हिज ऑफिस। क्योंकि स्वामी बहुत ही ज़्यादा डरता था, इसलिए स्वामी के पिता चाहते थे कि स्वामी अपने हिम्मत दिखाएं और अंधेरे से ना डरे, इसलिए उन्होंने स्वामी को अपने कार्यालय में सोने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट वाज स्वामीज कंडीशन व्हेन ही ले एडमिस्ट द फर्नीचर। फर्नीचर के बीच में स्वामी की हालत क्या थी। आंसर, स्वामीज हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टर। स्वामी का दिल तेजी से धड़कने लगा। ही शट हिज आइज टाइट एंड कवर हिमसेल्फ विद ब्लैंकेट, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को कंबल से ढक लिया। ही स्वेटेड विथ फ्राइट, डर की वजह से वो पसीने से भीग गया था। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट वाज द इंसिडेंट विच शोड स्वामीज ब्रेवरी। वह कौन सी घटना थी जिसे स्वामी की बहादुरी को दिखाया। आंसर, व्हेन स्वामी वाज एलोन इन द डार्क ऑफिस रूम। जब स्वामी अंधेरे कार्यालय के कमरे में था तो उन्हें कुछ ही सीन्ड समथिंग मूविंग, उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। थिंकिंग इट वाज ए घोस्ट, उसने सोचा कि लग रहा है यहाँ पर भूत है। ही यूज्ड हिज इट विथ ऑल हिज माइट एंड बिट ऑन इट्स एंकल, उसने उसे बहुत ही उसके पैर को बहुत तेज़ी से पकड़ लिया और उसके टखने में ज़ोर से काट लिया। इट वाज़ ए नोटोरियस थीफ, वह एक बहुत ही कुख्यात चोर था। हु वाज़ इंजर्ड एंड देन वाज़ कैच बाय पुलिस, जो घायल हो गया था और फिर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। दिस इंसिडेंट प्रूव्ड स्वामीज़ ब्रेवरी, इस घटना ने स्वामी की बहादुरी को साबित कर दिया। नेक्स्ट है हमारा नंबर टू, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फाल्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कुछ ट्रू हैं और कुछ फाल्स हैं। नंबर वन है, स्वामी लिव्स इन मालगुड़ी विलेज, स्वामी मालगुड़ी गांव में रहता था। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, तो यहाँ पर हम टी लिख देंगे या सही का निशान लगा देंगे। सेकेंड नंबर है, स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज मदर,
क्या स्वामी हमेशा अपनी माँ के साथ सोता था? नहीं, वो अपनी माँ के साथ नहीं सोता था, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ सोता, यानी दादी माँ के साथ सोता था। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फाल्स है। थर्ड नंबर है, स्वामी रिमेम्बर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड गोस्टिस। स्वामी ने शैतानों और भूतों की सभी कहानियों को याद किया था, ये सही है। फोर्थ नंबर है, द पुलिस सेड दैट स्वामी वाज ए ट्रू स्कॉट। पुलिस ने कहा कि स्वामी एक सच्चे स्काउट थे। पुलिस ने कहा था, किसने कहा था? पुलिस ने नहीं कहा था, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो यहाँ पर हम फॉल्स का एफ लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ड पावर। टिक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ ब्रैकेट में दो वर्ड दिए हुए हैं और सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको सही वर्ड में टिक करना है।